हेलो फ्रेंड्स, गियर अप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज झारखंड ज्योग्राफी के जो हम वीडियोज हैं, इनमें से आज जो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है झारखंड के जिलों का गठन और उसकी अवस्थिति। यानी कि झारखंड के जो जिले हैं उसका गठन कब किया गया है और उसका अवस्थिति कहाँ पर है। यानी कि इस जो मैप आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है, ये मैप झारखंड राज्य का है और जितने सारे आप खाने बने हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स के लोकेशन है। इन सारे लोकेटेड किए गए एरियाज में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इन सारे जिलों को हम लोग देखेंगे और इन सारे जिलों का गठन कब किया गया है इस चीज को देखेंगे। यदि हम प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें जो झारखंड में अभी तक हुए हैं, उन सारे एग्जाम्स के पैटर्न को देखें, तो झारखंड के गठन से रिलेटेड भी प्रश्न याते रहे हैं। कभी झारखंड के किसी जिले का नाम दे करके उनके गठन का वर्ष पूछा जाता है, तो कभी झारखंड के जिलों का नाम ए बी सी डी में देकर के और आगे उनके गठन का वर्ष लिख करके पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से या तो कौन सा सही है या कौन सा गलत है, यानी कि सुमेल और बेमेल को पहचानने के लिए दिया जाता है। एक और प्रकृति के प्रश्न यहां पर आते हैं कि कोई भी अमुक डिस्ट्रिक्ट का जो सृजन किया गया है वो किस जिले से किया गया है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों का आंसर हम लोग आज के वीडियोज में ढूंढेंगे और हम आप लोगों को बताएंगे। यदि हम लोग देखें झारखंड के जिलों के बारे में, तो वर्तमान में झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है और जब झारखंड का गठन किया गया था उसमें जिलों की संख्या 18 थी। वो कौन कौन से 6 जिले हैं जिनका गठन या जिसका सृजन झारखंड के निर्माण के बाद किया गया, उन जिलों को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे यहां पर। तो आइए आज हम लोग झारखंड के जिलों का गठन और उसकी अवस्थिति को जाने। और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं झारखंड के दक्षिणी पार्ट से। आप लोग देख रहे हैं ये दक्षिणी पार्ट का ये लोकेशन, इसके जो प्रमुख जिले हैं, जिलों का नाम है, आप इसको इसको पश्चिमी सिंहभूम कहा जाता है, पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, ये है पूर्वी सिंहभूम और ये है सरायकेला सरायकेला खरसावां। अब देखिए जो बेसिक फैक्ट्स है, पश्चिमी सिंहभूम जिला ये है, पूर्वी सिंहभूम जिला ये है और सरायकेला खरसावां जिला ये है। यदि ये एरिया देखें तो कभी छोटा नागपुर पठार का एक भाग था और ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासित क्षेत्र था। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र को प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो नाम दिया था वो था सिंहभूम जिला। वो जो जिला था वो था सिंहभूम जिला और सिंहभूम जिला का सृजन उन्होंने किया था 1767 ईस्वी में। यानी कि अंग्रेजी हुकूमत ने इस क्षेत्र के प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1767 को जिस जिला का सृजन किया गया था उसका नाम था सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। अब झारखंड भारत के आजाद के बाद में जब ये झारखंड बिहार का पार्ट था, उस समय इनको दो भागों में ब्रेक कर दिया गया, सिंहभूम को पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। तो जो पश्चिमी सिंहभूम का निर्माण किया गया डिस्ट्रिक्ट का वो 1990 और ये है 1990। अब देखिए 1990 में दो जिले बने, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। ये जो सरायकेला खरसावां आप देख रहे हैं ये उस समय पश्चिमी सिंहभूम का ही पार्ट था। अब पश्चिमी सिंहभूम से सरायकेला खरसावां को वर्ष 2007 में अलग किया गया। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि सरायकेला खरसावां जो जिला बना है वो पश्चिमी सिंहभूम से 2007 में बना है। तो यहां पर हम लोगों को ये पता चला पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला के गठन का वर्ष। अब एक महत्वपूर्ण जिले के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो झारखंड की राजधानी है और उसका नाम है रांची। आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है झारखंड की राजधानी रांची है।
इसके नीचे जो ये एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया है खूंटी। इसके नीचे का जो ये लोकेशन देख रहे हैं, ये है सिमडेगा। ये जो एरिया देख रहे हैं रांची के पश्चिम साइड में, ये है गुमला। और इसके ऊपर में जो ये दिखाई दे रहा है, इसका लोकेशन है लोहरदगा। लोहरदगा। अब देखिए, ये सब जो जिले आप देख रहे हैं, इसका जो निर्माण का जो टाइम फ्रेम है, टाइम पीरियड है, वो रांची जिला से ही जुड़ा हुआ है। यानी कि ये सब सारे जिले जो देख रहे हैं, वो कभी रांची का ही पार्ट हुआ करता था। इनका गठन का यदि हम लोग साल देखें, तो रांची से गुमला को 1983 में अलग कर लिया गया। रांची से ही लोहरदगा को सेम ईयर में अलग किया गया, 1983 में ही रांची को टू पार्ट्स में ब्रेक किया गया, लोहरदगा और गुमला को। और आगे जब आप देखिएगा तो 2001 में इस गुमला से सिमडेगा को अलग किया गया। 2001 में सिमडेगा को गुमला से अलग कर लिया गया। जो भी जिले जिस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुए, उनको मैं रेड मार्क से इंडिकेट कर दे रहा हूं, ताकि ये जानना आसानी हो। जो एक खूंटी डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, ये रांची से 2007 में ही अलग किया गया है। तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट का जो गठन किया गया वो 2007 में, सिमडेगा 2001, गुमला 1983, लोहरदगा 1983। अब हम लोग आते हैं झारखंड के उत्तरी पश्चिमी एरिया के बारे में। देखिए, यहां पर आपको प्रमुख रूप से दो जिले मिलेंगे, और ये जो जिले हैं, ये तीन जिले हैं, इनमें से इसको हम लोग कहते हैं गढ़वा, ये है पलामू, और ये है लातेहार। लातेहार इनमें से जो सबसे पुराना जो डिस्ट्रिक्ट है वो गुमला है। इसका गठन 1892 को किया गया था। पलामू जिला का गठन 1892 को किया गया था, और इसी से 1991 ईस्वी में गढ़वा जिला का गठन किया गया। इसके बाद भी पलामू को एक पार्ट में और ब्रेक किया गया, जिससे लातेहार डिस्ट्रिक्ट निकली है, वो पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकली है, और ये भी 2001 में निकली है। तो हमने देखा कि 2001 में पलामू से लातेहार भी निकली है, और 2001 में गुमला से सिमडेगा भी निकली है। अब एक और प्रमुख एरिया की बात करेंगे, जिससे बहुत सारे जिले का गठन किया गया, और वो जिला का नाम है हजारीबाग। प्रमुख जिलों का हम लोकेशन देख ले, ये जो जिला आप देख रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं चतरा। चतरा ये जिला है, ये है हजारीबाग, ये है हजारीबाग। ऊपर में आपको एक जिले यहां पर मिलेंगे, यदि आप देखेंगे इस जगह पर, तो आपको एक जिला मिलेगा, वो है कोडरमा। ये है कोडरमा। ये जो जिला आप लोग देख रहे हैं, ये है गिरिडीह। ये है गिरिडीह। और एक जिला देखो फंसा हुआ मिलेगा यहां पर आपको, ये है रामगढ़। इसका नाम है रामगढ़। अब देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स का नाम हमने बताया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हजारीबाग का ही ओरिजिनेटर है। हजारीबाग से ही कट करके ये सब सारे जिले बने हैं। जैसे हम लोग देखें हजारीबाग से, तो चतरा का निर्माण किया गया 1991 में। 1991 में देख सकते हैं चतरा का निर्माण हजारीबाग से किया गया, और गढ़वा का निर्माण 1991 में ही पलामू से किया गया। अब क्या है, कोडरमा का भी निर्माण जो किया गया है वो हजारीबाग से ही किया गया है, और इसके गठन का साल है 1994। कोडरमा जिले का गठन हजारीबाग से किया गया है 1994 में। और इसी से गिरिडीह का भी गठन किया गया है 1872 में। हम लोगों ने ये सब तो जान रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं चल रहा है कि हजारीबाग का गठन क्या किया गया, तो इसे भी ध्यान में रखें। हजारीबाग जिले का गठन 1833 ईस्वी में किया गया है। तो 1833 ईस्वी में गठन करने के बाद चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, और हाल ही फिलहाल में देखिएगा
कि जो जिला का निर्माण किया गया, ये आप रामगढ़ जो देख रहे हैं, ये भी हजारीबाग से ही निकली है। और ये कब निकली है? ये 2007 में निकली है। तो 2007 में रामगढ़ जिले का गठन किया गया, चतरा 1991, कोडरमा 1994, गिरिडीह 1872 और हजारीबाग 1833। यदि आप देखें, एक प्रमुख और जिले के बारे में बात करेंगे, वो है धनबाद के बारे में और बोकारो के बारे में। ये देखिए जो लोकेशन में इंडिकेट कर रहा हूं, ये है धनबाद और ये है बोकारो। ये दो जिलों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। धनबाद के बारे में एक प्रमुख फैक्ट मैं बता दूं कि ये इस एरिया में आज के डेट में तीन क्षेत्र आपको मिलेंगे प्रमुख, यहां पर हुआ करता था ओल्ड धनबाद और एक चास का एरिया हुआ करता था और एक चंदन कियारी पुलिस जो थाना हुआ करता था। ये तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के 1956 ईस्वी में आजादी के बाद भारत सरकार ने या बिहार सरकार ने धनबाद को एक जिला के रूप में परिणत कर दिया। तो धनबाद का निर्माण कब किया गया? 1956 में। अब राजनीतिक अस्थिरता काफी रही और उसके बाद में बोकारो जिले के निर्माण की काफी बातें चलने लगी। और बोकारो जिले का जो निर्माण किया गया है, इसके संदर्भ में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि बोकारो जिले का जो निर्माण किया गया है उनमें से केवल बोकारो से नहीं हुआ है, ये बोकारो से भी और ये गिरिडीह से भी हुआ है। यानी कि गिरिडीह का चार जिले को लिया गया, गिरिडीह का चार ब्लॉक को लिया गया और धनबाद का दो ब्लॉक को लिया गया और कुल मिलाकर के 6 ब्लॉक को लेकर के बोकारो का निर्माण 1991 में किया गया। तो यहां से एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि बताओ बोकारो जिले का निर्माण किस जिले से किया गया है? तो इसका आंसर होगा धनबाद जिला और गिरिडीह जिला। ये ऑप्शन में जहां पर भी रहे इनमें से दोनों आंसर होगा और ये काफी क्रिटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं जिनमें से अक्सर स्टूडेंट फंस सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है कि बोकारो का गठन कब किया गया है? तो 1991 में किया गया है और किस जिले से किया गया है? तो वो धनबाद और गिरिडीह से किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे संथाल परगना के बारे में, जिसे हम लोग जानते हैं कि संथाल परगना में आज के तारीख में, आज के दिनांक में 6 जिले हैं। तो मैं इन संथाल परगना के जिलों के बारे में मैं बात करूं, इसके पहले एक मैं काफी फेमस विद्रोह रहा है, संथाल विद्रोह के बारे में बात करता हूं। संथाल परगना का जो संबंध है वो संथाल विद्रोह से है। 1855 और 56 ईस्वी में संथाल परगना के क्षेत्रों में संथाल जनजातियों के द्वारा एक बृहद स्तर पर काफी तीव्र गति से एक विद्रोह को छेड़ा गया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जिसको संथाल विद्रोह कहा गया। और यह विद्रोह अपने प्रकृति में इतना तीव्र थी कि अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दिया और वो कुछ सुधारवादी कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए। और इन्हीं सुधारवादी कदमों के तहत अंग्रेजी सरकार ने संथाल परगना को एक जिला के रूप में गठन किया। तो संथाल परगना भी एक पहले डिस्ट्रिक्ट ही था। और यह गठन कब किया गया था? इसका गठन किया था 1855 में। अब देखो, ये एक प्रश्न यहां से यदि ऐसा पूछा जा सकता है, काफी क्रिटिकल प्रश्न होगा, कि संथाल परगना का जो गठन किया गया था वो किस जिले से किया गया था? ये भी प्रश्न हो सकता है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और वो जिला है भागलपुर जिला। भागलपुर जिला को काट करके संथाल परगना जिला का निर्माण 1855 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने किया था। और तब से संथाल परगना से वर्तमान स्थिति तक में 6 जिलों का निर्माण हुआ है। पहले हम लोग देखते हैं कि उन सारे जिलों का नाम क्या क्या है। तो आप देखें कि ये जिला जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है जामताड़ा। ये है जामताड़ा, ये है दुमका, ये है
पाकुड़, ये है साहिबगंज और ऊपर में ये है गोड्डा और ये है हमारे बाबाधाम देवघर। ये छह जिला है। अब देखिए इनमें से जो सबसे पुरानी जिला है संथाल परगना में, वो 1855 ईस्वी में ही दुमका को एक जिला बना दिया गया। और दुमका जिला बनने के बाद इसी से जामताड़ा जिला का सृजन किया गया और जामताड़ा जिला का भी सृजन 2001 में यानी कि झारखंड के बनने के बाद किया गया। जो आप बाबा धाम देख रहे हैं देवघर, देवघर जिला का जो सृजन किया गया है वो 1996 में किया गया। और सबसे ऊपर में जो आप देख रहे हैं साहिबगंज, इसका 1983 में और इसी से काट करके पाकुड़ का 1994 में और 1983 में ही गोड्डा का सृजन किया गया। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि झारखंड के जो भी 24 डिस्ट्रिक्ट्स थे उसकी अवस्थिति कहां पर है और उसका गठन किस वर्ष में किया गया है और उसका गठन किस जिले से किया गया है। यह प्रमुख प्रश्न हमारे पास में था जिसका हम लोगों ने आंसर इसमें ढूंढने का प्रयास किया और यहां से आपको आंसर उसका मिल भी जाएगा। दूसरी जो एक चीज हम लोगों ने देखा, जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहां पर निम्नलिखित में से कौन से संथाल परगना के जिले नहीं है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं ये सब सारी चीजों का अगले क्लासेस में चर्चा भी करूंगा। गठन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनमें से एक है कि झारखंड राज्य के निर्माण के समय में, यानी कि जब झारखंड राज्य का गठन था, गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 को। और इस समय जो टोटल जिलों की संख्या थी वो जिलों की संख्या कितनी थी? 18 थी। और अभी तब से लेकर अब तक 6 जिले जुड़े जा चुके हैं और वर्तमान में टोटल जो जिलों की संख्या है वो 24 है। ये जो 24 जिले हैं इनमें से कौन कौन से, एक बार प्रीवियस में सवाल पूछा गया, आप देखिएगा कि इनमें से एक सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जिसका निर्माण झारखंड के गठन के बाद किया गया है, और उनमें से मिसलेनियस मिक्स करके बहुत सारे जिलों के नाम दिए गए थे और आपको याद रखना था कि कौन कौन से 6 जिले हैं तब आप सही ऑप्शन तक जा पाते। यदि आप देखें इस पूरे झारखंड के जो मैपिंग है अभी जो आपको दिखाई दे रहा है, जो 2000 के बाद में फॉर्म किया गया है वो सारे ये 6 जिले हैं, जिनमें से आप देखिएगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रांची से सटा हुआ 3 जो जिला है, खूंटी, सरायकेला खरसावां और रामगढ़, ये तीनों रांची से सटा हुआ और तीनों का फॉर्मेशन 2007 में किया गया है। और जो 2001 में भी 3 जिला का फॉर्मेशन किया गया था वो है सिमडेगा, लातेहार और जामताड़ा। तो यही 3 और 3 6 जिले हैं जिसका निर्माण झारखंड के गठन के बाद हुआ है, यानी कि 2000 ईस्वी के बाद हुआ है। हम लोग इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो 3 जिले हैं इसका जो गठन का एग्जैक्ट यदि आप लोग डेट देखें तो वो 12 सितंबर 2007 को जो जिलों का गठन किया गया था वो जिले हैं खूंटी, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां और एक है रामगढ़। यह है 12 सितंबर 2007 को। इसके पहले जो 3 जिले बने थे उनमें से आप देखें कि 4 अप्रैल 2001 को आपका बना हुआ है लातेहार जिला गुमला से, पलामू से काट करके बनाया गया। इसके बाद 26 अप्रैल 2001 को ही जो जिला बना है वो है जामताड़ा, ये दुमका से बना है। और 30 अप्रैल 2001 को ही एक जिला बना है जिसका नाम है सिमडेगा। यदि हम लोग देखें तो ये जो लातेहार जिला आया है ये आपका लातेहार आया है पलामू से, जामताड़ा आया है दुमका से,
ये सिमडेगा आया है गुमला से। तो बेसिकली इस प्रकार का जो प्रश्न है आपसे पूछा जा सकता है, सजाने के लिए भी या एग्जैक्ट डेट को भी मांग सकता है। यदि हम इसको एक अलग तरीके से देखें कि 18 के बाद में 19वां जिला कौन बना या 20वां जिला कौन बना, 21वां जिला कौन बना, 20वां जिला कौन बना, तो ये सारे चीजों को हम लोग देख सकते हैं। 18वीं के बाद में जो 19वीं जिला बना था वो ये था, जो 20वीं जिला था वो जामताड़ा था, जो 21वीं जिला था वो सिमडेगा था, जो 22वीं जिला था वो सरायकेला खरसावां था, जो 23वीं जिला था वो खुटी था, और जो 24वीं जिला था वो रामगढ़ था। तो इस प्रकार से जो जिले थे वो सारे जिले का निर्माण देखें, और एक जिला का जो नाम है जिसका फॉर्मेशन यहां पर आपको पता नहीं चला है वो है रांची जिला का। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो हम लोगों से मिस हो रहा था वो था रांची जिला, और रांची जिला का जो फॉर्मेशन है वो आजादी के पहले ही हुआ है 1899 ईस्वी में। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि झारखंड की राजधानी रांची का जो गठन किया गया है वो 1899 में है, और इस प्रकार से हम लोगों ने देखा केंद्रीय जो भारत की झारखंड की चुकी राजधानी है, इसलिए इसका गठन का वर्ष जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके पूछे जाने की तो सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है। इसीलिए आप लोग देखें कि झारखंड के जिलों का गठन और उसके कहां किस जिले से सृजन, और इस प्रकार के जितने भी तमाम सवाल पूछे जा सकते हैं, गठन कब और किससे, इन सारे सवालों का आंसर आप लोग आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद में दे सकते हैं। हमारी ये झारखंड के जिलों का गठन से जो संबंधित यह वीडियो है आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग जरूर दें, ताकि हम कुछ डेफिशिएंसी को आगे कंसीडर करके हम कुछ बेहतर कर पाए। कुल मिलाकर क्या यह भी है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, इस चीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उठा सके, और वो झारखंड CGL तथा JPSC के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। जो अगला टॉपिक मैं बताऊंगा वो झारखंड के जिलों से संबंधित फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, और फैक्ट्स जैसे कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बताता हूं कि कितने जिले, कौन सी जिले हैं जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, बॉर्डर से कौन सट रहा है, कौन नहीं सट रहा है, सबसे ज्यादा कौन जिले से घिरे हुए जिले हैं, तो इस तरह का जितने भी सवाल है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। हमारे वीडियोज के साथ आप बने रहें और ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग अपने करियर को बनाने के लिए करें। थैंक यू।